तब तो 22 अगस्त तक बारिश कम हो जाएगा प्रभाव, क्या शेप कर देंगे हाल इसको? सर एक तो थोड़ी ज्यादा तो आएगी, उसके बाद हमारा एक रैली का कार्यक्रम है इसमें कर रहे हैं हम, कल काफी डिटेल में भी हो गया था। हमने एज ए पार्टी, एज ए कांग्रेस विधायक दल बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम हर तरह के माफिया के खिलाफ हैं। सरकार जो है पूरी ताकत से माफिया को के खिलाफ कदम उठाए, चाहे वो नशा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो ड्रग ये वन माफिया है, चाहे शराब माफिया है, जिसके भी खिलाफ सरकार ने कदम उठाना है उठाएं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भाजपा के राज्य अध्यक्ष हुआ कुछ तस्वीरें दिखाते फिरते हैं, हैं तस्वीरें दिखाने से कुछ नहीं होगा, उनकी अपनी तस्वीर जो है सामने आ गई है पौने दो साल में कि क्या हो क्या रहा है। अगर दम है तो एक्शन करें। आज ऊना जिला में जो माइनिंग हो रही है वो किसके संरक्षण में हो रही है? आज तो पौने दो साल हो गए, अब हमें कॉस के तो फायदा नहीं होगा, हम तो सरकार में नहीं है। आप सरकार में है, सारी मशीनरी आपके पास है, सारा तंत्र आपके पास है, आप कदम उठाएं। आज जो है ऊना में रोज 1500 टिप्पर रेत का निकल रहा है, स्वां के अंदर 150 जेसीबीज लगी हुई हैं, है 9 टन रेत उठाया जा सकता है, एक 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 टिप्पर जो है 50-50 टन 60-60 टन लेके चल रहा है, घोड़े जो है बाहर से आ रहे हैं और लोगों को ऐसे वीडियोस आ गए हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गारंटी दे रहे हैं कि हिमाचल बाउंड्री हम आपको पार करवा के देंगे। कि सरकार की ओर से माफिया को संरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं है। मेरे ध्यान में कुछ विषय लाए हैं और उन विषयों पर जो है आने वाले समय में जो करने का होगा वो करेंगे।